दिल्ली पर्यटन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट केशव जी। दिल्ली का हमने 3 ब्लॉग दिया है और ये चौथा ब्लॉग दिल्ली के मंदिरों को लेकर है। यहाँ मंदिरों की भी कमी नहीं है, यहाँ ऐतिहासिक इमारतों की कमी नहीं है, यहाँ उद्यानों की कमी नहीं है और यहाँ पर पर्यटन बिखरे पड़े हैं। तो चलिए कुछ खास खास मंदिरों का दर्शन करते हैं और आपको भी वहाँ ले चल के दर्शन कराते हैं। हमारे साथ बने रहिए, बोलिए हर हर महादेव। शिवाजी स्टेडियम के पास प्राचीन हनुमान मंदिर, जहाँ पर साक्षात हनुमान जी भी आपको नजर आएंगे बंदरों के रूप में, और उसी के ठीक बगल में प्राचीन शिव मंदिर भी है। तो दोनों मंदिर का आइए आपको अवलोकन कराते हैं। हमारे साथ बने रहिए और बोलिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, ओम नमः शिवाय। प्राचीन हनुमान मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि यह मंदिर अति प्राचीन है और पांडव कालीन मंदिर है ये। यहाँ पर द्रौपदी ने भगवान शंकर की आराधना किया और यहाँ का जो शिवलिंग है वह पांडव कालीन शिवलिंग होने के नाते बहुत ही सुविख्यात है। और यहाँ पर हनुमान जी के साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं के मूर्ति भी आप मंदिर के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर में प्रदक्षिणा की बड़ी परंपरा है, तो दर्शन करने के साथ साथ जो मंदिर बनाए गए हैं उसकी परिक्रमा का पथ भी यहाँ बनाया गया है। परिक्रमा पथ में दीवारों पर उकेरे गए मूर्तियों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। मंदिर ऊर्जावान है, साथ ही साथ मंदिर में बैठ के ध्यान लगाते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। और ये देखिए प्राचीन शिव मंदिर, जिसे द्रौपदी ने आराधना यहाँ पर बैठकर किया था अपने अज्ञातवास के दौरान। इस तरह से ये प्राचीन हनुमान मंदिर। इसके बाद अब आइए आपको लिए चलते हैं प्राचीन शिव मंदिर की ओर, जो हनुमान मंदिर के ठीक बगल में ही बना हुआ है। तो इस तरह से अब आइए भगवान शंकर से मिलते और मिलाते हैं। और यहाँ पर भगवान शंकर के साथ ही साथ ये पहले तो आप भगवान शंकर से मिलिए और ये उनका शिवलिंग, अति प्राचीन शिवलिंग, मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहा। इस प्रकार से यह शिव मंदिर भी अति प्राचीन श्रेणी में है। दिल्ली जब हस्तिनापुर रही है तब से यह शिव मंदिर यहाँ पर स्थापित है और उस समय से यह शिव मंदिर लोगों के श्रद्धा का विषय बना हुआ है। तो आप दर्शन करते रहिए और इसके बाद फिर हम दिल्ली के अन्य मंदिरों की ओर आपको लिए चलेंगे। शिवाजी स्टेडियम से अब आइए मंदिर मार्ग की ओर आपको लिए चलते हैं और वहां चल के महाबोधि मंदिर में आपको ज्वाइन करते हैं। भगवान बुद्ध यहां पर भी अपने विग्रह के रूप में विराजमान हैं और विष्णु के नवे अवतार के रूप में आपको जाना जाता है। यह मंदिर मार्ग पर स्थित है
और बिरला मंदिर के ठीक सटा हुआ इसका प्रांगण है। अभी मंदिर छोटे से शेप में है और मंदिर के प्रदक्षिणा पथ में कुछ कमरे बने हुए हैं। और चलिए यहाँ से अब आपको हम बिरला मंदिर की ओर लिए चलते हैं। बिरला मंदिर, मंदिर मार्ग दिल्ली। यह मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से फेमस है। इसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित यह मंदिर है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1938 में बिरला परिवार ने किया और जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। साथ ही साथ इस मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में मैं बताऊं, तो ये उड़ियन शैली में निर्मित है और बाहरी हिस्सा सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बना है। मुगल शैली की भी यह मंदिर याद दिलाता है। मंदिर में दो मंजिला बरामदे और पिछले भाग में बगीचे और फवारे भी हैं। यह मंदिर मूल रूप से 1622 में वीर सिंह देव ने बनवाया था। इसके बाद उन्हीं के संतति में पृथ्वी सिंह ने 1793 में इसका जीर्णोद्धार कराया और सन 1938 में भारत के बड़े औद्योगिक परिवार बिरला समूह ने इसका विस्तार और पुनरुद्धार कराया। साथ ही साथ मुख्य बरामदे में लक्ष्मी नारायण की भव्य मूर्ति स्थापित है, जिसका अवलोकन आप अभी मैं आपको कराऊंगा। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण के भी मंदिर हैं। तो इस तरह से ये बिरला मंदिर अपने आप में बहुत सुंदर और परिपूर्ण मंदिर है। यहाँ पर ऊर्जा की कमी नहीं है और लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ ही साथ अन्य मंदिर भी प्रदक्षिणा पथ में बने हुए हैं। और मंदिर के साइड में एक धर्मशाला है, धर्मशाला में आप रुक भी सकते हैं। और मंदिर के पिछले भाग में कुछ अन्य मंदिर जैसे साई बाबा का मंदिर और भगवान शंकर का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर पीछे साइड में बना हुआ है और बड़ा गार्डन भी बड़ा सा वहाँ पे है। साथ ही साथ प्रसादम रेस्टोरेंट भी वहाँ पर बना हुआ है। यदि आप चाहें तो वहाँ प्रसाद रूप में प्रसादम रेस्टोरेंट का सदुपयोग कर सकते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। पूरा का पूरा मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मय है। और साथ ही साथ इस समय आप वैष्णो देवी मंदिर देख पा रहे हैं। और इस मंदिर के अंदर, इस राक्षस रूपी मुख के अंदर भगवान शंकर का आप दर्शन करिए। साथ ही साथ प्रसादम रेस्टोरेंट में ये प्रसाद स्वरूप आपके साथ है। और इसके बाद अब हम आपको लिए चलते हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर, पहाड़गंज खंडेलवाल धर्मशाला के अंदर। तो वहाँ चलिए और वहाँ चल के भगवान की आरती उस समय हो रही थी, तो आइए हम लोग भी आरती में शामिल होते हैं। बोलिए हर हर महादेव। तुमेव विद्या दृढ़ं तम।